शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैक कि जिसको आप अगर यूज़ करते हैं तो आप अपने आप में देखेंगे कि आपकी जो स्किन है नेचुरली ग्लो कर रही है विदाउट किसी क्रीम के, विदाउट मेकअप, और धीरे धीरे वो आपकी स्किन में ग्लो आता जाएगा। अभी आप मेरी फेस देख सकते हैं, तो मैंने इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ना ही मैंने कोई क्रीम लगाई है, ना मैंने कोई फाउंडेशन लगाया है। मैं सिर्फ इसको अभी वॉश कर आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको फेस पैक लगा के दिखाना है, तो मैंने इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है एकदम से ग्लो कर रही है और एकदम से क्लीन है। तो ये बहुत ही नेचुरल है, ये किसी को भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, बीच बीच में ही यूज़ करती हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, या उस पर पिम्पल्स हैं, या उस पर दाग है, या गर्मी के मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से भी हमारी जो स्किन है वो ख़राब हो जाती है, तो आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए। आप देखेंगे पैक के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ दही यूज़। ये घर का ही बना हुआ है, और इसमें मैंने क्या किया है, जो पोटैटो है उसको मैंने कर लिया है ग्रेट, और मिक्सी में मैंने उसको बहुत अच्छे से एक उसका पल्प बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि दोनों को मिक्स करके इसका एक अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। अब मैं ले रही हूँ 2 स्पून दही, और इसका ले रही हूँ मैं, और इसमें मैं एक डालूँगी विटामिन ई का एक कैप्सूल। और इसको पिन से करेंगे पंक्चर। और अब इसको तो मैंने कर लिया अप्लाई, और अब मैं इसको 15 मिनट्स तक इस तरह से लगे रहने दूंगी, और मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट्स बाद। तो आप देख सकते हैं मैंने जो अपना फेस है वो कर लिया है एकदम से ड्राई, और अब इसको मैंने वॉश कर लिया है। तो अभी मैंने कोई क्रीम या कुछ भी मेकअप नहीं किया है अपनी स्किन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है एकदम से क्लियर लग रही है, और पहले से बहुत फ़र्क आ गया है। तो आप भी इसको जब यूज़ करेंगे तो रेगुलर यूज़ कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको